नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सारे वीडियोस को देखकर रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब नई नई जो वीडियोस आती जा रही है उनको आप देखते जाओ और जो पहले पढ़ा दिया उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले की वीडियोज भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की ये, ठीक है ना। उनको भी आप देखते चले साथ में। देखिए दोस्तों, अगर आप मुझे नहीं जानते हो, पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम पूजा कुमारी मीना है और बच्चे मुझे प्यार से पुलकी मैडम कहकर पुकारते हैं, क्योंकि मेरा नाम पुलकी भी है, ठीक है। आप मेरे से नेट जेआरएफ का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर पढ़ना चाहते हो। दोनों पेपर पढ़ने का मतलब ये है कि अभी एक दो दिन में, आजकल में ही आपकी एग्जाम है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको लगता है कि आपका इस एग्जाम में कुछ भी नहीं होने वाला या फिर आपका टारगेट नेक्स्ट एग्जाम है, तो आप मेरे इस कोड का इस्तेमाल करते हुए प्लस की क्लास से जुड़ सकते हो, ठीक है। और आप अगर जुड़ना चाहते हो, जल्दी से सफल होना चाहते हो, तो जुड़ सकते हो प्लस की क्लास से, वरना फ्री की भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, आप उनको देख सकते हो। अगर आपको, आपके पास 2 साल है, 3 साल है या फिर और ज़्यादा टाइम है, तो आप आराम से फ्री वाली क्लासेस देखें। अगर आप अभी सिस्टमेटिक तरीके से पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों को कवर करना चाहते हो प्लस की क्लासेज में, जल्दी जल्दी सारा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए प्लस क्लास से जुड़ना होगा। इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपकी इच्छा है, आप जुड़ना चाहते हो या फ्री की क्लासेस को देखना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। देखिए दोस्तों, ये मेरी क्लासेस का टाइमिंग है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग अनअकैडमी प्लस पर जो मेरी क्लास होती है वो सुबह 6 से 7 है, ठीक है। और ये क्लास बड़ी शानदार क्लास रहती है मेरी। बच्चे मतलब सुबह सुबह जग के इतने प्यार से पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद अनअकैडमी पर जो स्पेशल क्लास है, जिनको आप बोलते हो फ्री क्लासेस, ठीक है। ये फ्री क्लासेस होती है दोनों पेपर की। पेपर फर्स्ट की होती है 8 से 9 बजे तक, ठीक है। पेपर सेकंड की होती है 7:30 से 8:30। मनोविज्ञान में पढ़ाती हूँ पेपर सेकंड में, एंड हिंदी साहित्य में आपको पढ़ाती हूँ। ये यूट्यूब की क्लासेज है मेरी। एक क्लास होती है सुबह, ठीक है, 7:30 से 8, और दूसरी क्लास होती है 6 से 7, और तीसरी क्लास हमारी 9 से 10 शाम को होती है, जिसमें मैं और लौकिक सर आपको मिल करके हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे। और किसके लिए? देखिए, नेट जेआरएफ के लिए तो आपके कोर्स को कवर करवाएंगे ही हिंदी साहित्य के। इसके साथ ही जो राजस्थान में आरपीएससी में अभी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, या फिर मैं आपसे कहूँ कि आप DSSB के पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप केवीएस के पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनबीएस की पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एपीएस के, एपीएस मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है, इन सभी में हमारा ये कोर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम संपूर्ण सिलेबस को रखेंगे हिंदी साहित्य के को, जिसमें व्याकरण भी इंक्लूड है, ठीक है। तो आप ये सारी क्लासेस यहाँ पे देख सकते हो। इसके लिए देखिए, ये जो क्लास होगी ये 9 से 10 तो यूट्यूब पर रहेगी, जिसमें हम PYQ करवाएंगे, आपको बताएंगे हमारा तरीका कि हम कैसे पढ़ाते हैं। अगर आपको पूरा फुल कंप्लीट कोर्स पढ़ना है, तो उसके लिए भी आपको प्लस क्लासेस में जाना होगा। सारी क्लासेस को देखने के लिए सिर्फ एक ही बार फी पे करनी होगी। आप 6 महीने का लेना चाहते हो, आप 12 महीने का, 24 महीने का, उसके अकॉर्डिंग, और मामूली सी फीस है, ठीक है। जितनी आप ऑफलाइन क्लासेस में जाकर देते हो उससे तो काफ़ी कम है, तो आपके ऊपर है आप क्या चाहते हो, ठीक है। आप रूम का अलग से रेंट देना चाहते हो, आप रोज़ कोचिंग जाना चाहते हो, आना चाहते हो, उसमें अपना टाइम बर्बाद करना चाहते हो, जिस बस में या ऑटो में बैठकर जाएंगे उसमें अपने पैसे बर्बाद करना चाहते हो, और कोचिंग में जहां आप पैसे देंगे वो भी इससे तो डबल ही फीस होगी। तो इसीलिए आप डिसाइड कर लो कि आपको घर के एक कोने में कैद होकर पढ़ना है या फिर इधर ही घूमते रहना है सभी जगह, वो आपके ऊपर डिसाइड है, वो मेरे ऊपर नहीं है। संडे को दोस्तों हमारी स्पेशल क्लासेस होती है, ठीक है। संडे स्पेशल होता है, इसमें यूट्यूब पर भी मैराथन क्लास कभी कभी आपकी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद अनअकैडमी पर भी हम आपकी मैराथन क्लास लगाते हैं, और कभी कभी मोटिवेशनल आपके सामने वीडियो आ जाती है, ठीक है। कभी कभी सरप्राइज क्लासेस आपके सामने आ जाती है, आप बिल्कुल देख कर बड़े खुश हो जाते हो, वाह ये क्लास इस तरीके से। तो दोस्तों ये सारा क्लासेस का टाइम टेबल है। अब मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाती हूँ आगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, MCQs कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 10 कर लिए थे हमने इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है। अभी 11 से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ तक दोस्तों हमने कर लिया था, आप सभी को मालूम है। 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और बात हो रही है किसकी? जीन प्याजे महोदय की। और जब भी जीन प्याजे महोदय की बात हो और आपको जीन प्याजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत याद ना आए, तो फिर मतलब क्या कहना फिर उस बात का, मतलब कोई मूल्य नहीं रह जाएगा।
तो देखिए, जब भी हम इस जीन पियाजे महोदय की बात करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि ये एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने खुद अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग करके ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनकी जो पत्नी थी वो इनसे बहुत लड़ाई करती थी, आप मेरे बच्चे को परेशान मत करो। कभी ये बच्चे की टांग को पकड़ कर यूं खड़ा कर देते, कभी उसके मुंह को खुलवाते, कभी उसको दौड़ाते, कभी उसको बिठाते, कभी उसको खड़ा करते, कभी उसको हंसने के लिए बोलते, कभी उसको रोने के लिए बोलते। मतलब कि ये तो अपनी जांच पड़ताल कर रहे थे ना बच्चों के ऊपर, सारी चीजों को देख रहे थे, समझ रहे थे और जान रहे थे कि आखिरकार कैसे एक बच्चे का विकास होता है, कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजर कर वो बच्चा जाता है। और ये सारी चीजें जब इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर देखी और फिर इन्होंने कहा कि बाल विकास की, बाल का मतलब होता है दोस्तों ये सर का बाल नहीं, बाल का मतलब होता है बालक। और इन्होंने बोला कि बाल विकास की, मतलब कि बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, चार अवस्थाएं होती है। तो दोस्तों इन्होंने पहली अवस्था का नाम दिया था इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ध्यान से पढ़े, क्यों मैं यहाँ पर पूरा आपको समझा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मनोविज्ञान में कई बार पूछा जाता है। दोस्तों पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, हो सकता है मेरा फोटो इधर आपको दिखे तो उससे आपको ये पूरी चीजें समझ में नहीं आए, लेकिन देखे इंद्रिय जनित गामक अवस्था है। दूसरी अवस्था की अगर आप बात करते हो, और ये जो अवस्था है ना दोस्तों ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। दूसरी अवस्था की अगर बात करते हो तो इसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है दोस्तों इसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और ये जो अवस्था है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 से और कब तक की है, कितने वर्ष तक की है दोस्तों, 5 तक की है, ठीक है। इसके बाद तीसरी अवस्था की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान से समझे इनको, ये है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इससे आगे की तरफ रुक करेंगे और इसकी जो उम्र रहती है वो 5 से 7 वर्ष तक की रहती है, ठीक है, 5 से 7 वर्ष तक की रहती है। एक मिनट रुकिए जरा, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ये 2 से 5 नहीं है, ये 2 से 7 होगा, ठीक है, ये 2 से 7 होगा और यहाँ पर 7 से 11 होगा। इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ओके, माफी चाहती हूँ, इसमें ध्यान नहीं रहा जल्दी जल्दी में। तो पहली जो अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष की है, दूसरी अवस्था 2 से 7 की है, तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष की उम्र है दोस्तों, और चौथी अवस्था है वो 11 से 15 वर्ष तक की है, और इसका नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है, ठीक है, इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ओके। और ये जो हमारी इंद्रिय जनित गामक अवस्था है इसको संवेदी परक, देखिए इंद्रिय का मतलब क्या होता है, आपकी ज्ञान इंद्रियां, ठीक है, इंद्रिय का मतलब होता है आपकी ज्ञान इंद्रियां, और संवेदी का मतलब भी वो जिसके द्वारा आप चीजों को महसूस कर पाए। तो इन चारों अवस्थाओं का क्या मूल है, क्या कहते हैं जीन पियाजे जी इनके द्वारा? पहली अवस्था में कहते हैं कि बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है वो चीजों को है ना सिर्फ अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीख पाता है, समझ पाता है, महसूस कर पाता है, ये कहते हैं ये। और यहाँ बोलते हैं कि इनके पास अपनी भाषा नहीं होती, क्योंकि भाषा को तो ये वातावरण में आकर अर्जित करता है, भाषा जन्मजात नहीं होती है। फिर दूसरी अवस्था की तरफ चलते हैं तो दोस्तों आपका जो बच्चा है इसके पास अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा तो आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर भाषा तो हो जाता है यहाँ आके, लेकिन इस बच्चे को ये लगता है कि ये चांद तारे माता पिता जमीन आसमान सब कुछ मेरे लिए ही तो बनाया गया है। मतलब कि इस बच्चे के अंदर आत्मकेंद्रण का गुण आ जाता है, कैसा दोस्तों? और ये क्वेश्चन है ना कई बार पूछा गया है, आत्मकेंद्रण का गुण बच्चे के अंदर कब आता है? तो 2 से 7 वर्ष की उम्र बाल्यावस्था में आता है, इसको हम बोल सकते हैं स्वकेंद्रण का गुण। क्या? स्वकेंद्रण का गुण भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये इस अवस्था में आ जाता है। मूर्त अवस्था की अगर बात करें तो ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं, ऐसे लोग जिनको देख करके उनके बारे में बच्चा व्याख्या कर पाए, उनको समझ पाए, समझा पाए, ठीक है, तो ये होता है मूर्त। इसके बाद जैसे ही हम अमूर्त की तरफ चलते हैं तो ऐसी वस्तु जो दिखाई तो ना दे लेकिन उनके बारे में आप सोच पाओ, ठीक है, आप विचार कर पाओ, आप चिंतन कर पाओ, आप अपनी तार्किक क्षमता को विकसित कर पाओ और उसके ऊपर आप अपने खुद की विचारधारा बना पाओ, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे का अमूर्त विकास हो रहा है। ऐसी वस्तुएं जिनको कभी उसने देखा नहीं है उनके बारे में भी वो अपनी विचारधारा तैयार कर पा रहा है। मतलब यहाँ तक जाकर बच्चे का मैं कहूँ कि काफी हद तक बच्चे का विकास हो चुका है। हालांकि ये विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये खत्म नहीं होता है एक टाइम पे आके। अब देखो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ से कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब आप देखो अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है,
कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं। दोस्तों इस किशोर की बात की है और किशोर विद्यार्थी का मतलब किशोरावस्था का विद्यार्थी है। किसका है? किशोरावस्था का विद्यार्थी है। और आप भली भांति जानते हो कि सबसे आखिरी वाली जो अवस्था थी इसमें हमारे किशोर विद्यार्थी थे और ये किशोरावस्था में प्रवेश करने ही वाले थे। तो आप बताएं यहाँ पर से कौन सी अवस्था होगी। प्लीज दोस्तों जब भी आप इस वीडियो को देखें तो जरूर कमेंट करें। ये हमारी पहली अवस्था थी 0 से 2 वर्ष वाली, ठीक है। ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी इससे पहले हमारी पूर्व संक्रियात्मक आ गई थी और ये हमारी 2 से 7 थी। ये हमारी 7 से 11 वाली अवस्था थी और ये 11 से 15 वाली अवस्था थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये अमूर्त भी कहलाती है और ये औपचारिक भी कहलाती है। इसीलिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपका विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझे, इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़े कि कभी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़े दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से। क्या इसमें है? नीचे शिक्षण विधियां और उपागम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है? आप देखिए, एक होता है समष्टि, एक होता है व्यष्टि। अब आपसे पूछा है कि कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है। जैसा तरीका मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया वो ही तरीका आपको यहाँ पर आजमाना है। तो देखिए प्रदर्शन विधि, आप मुझे ये बताएं कौन सा व्यष्टि सापेक्ष है। तो दोस्तों प्रदर्शन विधि तो होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट विकल्प जिस इसमें है काट दीजिए आप इसको, बिल्कुल सीधे तौर पर आप इसको काट दीजिए। नेक्स्ट विकल्प की तरफ आप चले, मॉड्यूलर उपागम। बिल्कुल दोस्तों, मॉड्यूल के द्वारा नए नए मॉड्यूल क्रिएट करके बना करके इसके द्वारा जब सिखाया जाता है शिक्षण विधियां में ये शामिल होता है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है मॉड्यूल। अब आप देख सकते हो कि अगर आपको उत्तर ही छांटना है, आपको अगर उत्तर ही चाहिए तो देखिए इन दोनों में से दो कहाँ पर है, सिर्फ एक ही विकल्प में है, इसमें है ही नहीं, तो इसको काट दीजिए। तो आपको अपना उत्तर तो मिल गया कि आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका उत्तर हो जाएगा, लेकिन और भी समझना चाहते हो तो सारे विकल्प एक बार देख लीजिए कि क्या कह रहे हैं ये। तो देखिए अभिक्रमित अधिगम भी इसमें शामिल होगा, व्यष्टि सापेक्ष तो होगा ही होगा, ठीक है, सहयोगात्मक विधि इसमें शामिल नहीं होगी। ओके दोस्तों, तो ये इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हल करने हैं, समझने हैं अच्छे से। आगे देखिए, एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप एक अध्यापक हो और आपने एक परीक्षण, एक परीक्षा या फिर मैं कहूँ आपने एक पेपर तैयार किया है परीक्षा लेने के लिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा? आपको ये बताना है, जून 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, जून 2019 में आपसे पूछा गया। तो देख लीजिए सारे विकल्प को आप एक बार पढ़ लीजिए, यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वस्तुनिष्ठ होगा। देखिए सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि दोस्तों आपका परीक्षण विश्वसनीय नहीं होता, ठीक है, परीक्षण विश्वसनीय नहीं होता। तो जिसमें भी परीक्षण का मतलब जो परीक्षा है वो विश्वसनीय नहीं होती। परीक्षा तो कैसी होती है? सच्चाई पर आधारित होती है, वैध होती है, ठीक है, मानक उसमें आधारित होते हैं कुछ ना कुछ। तो विश्वसनीय तो हम तब कहेंगे, देखिए परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ हो सकती है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकती है, वो परीक्षा भरोसेमंद हो सकती है, लेकिन वो विश्वसनीय तो हम तब कहेंगे ना जब उसकी जांच करेंगे। जैसे कि मान लो ये नेट जेआरएफ का, ये क्वेश्चन नेट जेआरएफ का है, अब ये कैसा है? वस्तुनिष्ठ है। तो हम कहेंगे दोस्तों ये जो परीक्षा है ना ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा है, ये वैध परीक्षण है। फिर बाद में कहेंगे कि दोस्तों ये विश्वसनीय है, ये भरोसे करने के लायक है, ठीक है, ये कहेंगे, लेकिन परीक्षण विश्वसनीय नहीं होगा। जहां पर भी परीक्षण है इसको काट दीजिए। अब आप समझे इसको ध्यान से, यदि परीक्षण वैधता रखता है, वैधता का मतलब सच्चाई रखता है, तो वह विश्वसनीय भी होगा, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन लास्ट वाला विकल्प भी देखें, यदि परीक्षण वैधता रखता है तो विश्वसनीय है तो यह उपयोज्य होगा, तो भाई ये उपयोज्य नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर इसको काट दीजिए। आप कह सकते हो कि कोई भी परीक्षण अगर वैधता रखता है, सच्चाई रखता है, अपने अंदर बिल्कुल सच्चाई को समाहित रखता है, तो हम कह सकते हैं कि वो विश्वसनीय परीक्षण है। देखिए दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे कोई ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर लिया गया है, जिसको आप बोलते हो वस्तुनिष्ठ, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का आपका कोई पेपर लिया गया है, तो इसके बारे में आपकी धारणाएं बना दी गई है, ठीक है, आपकी धारणा ये बनाइए कि ये विश्वसनीय है, ये वैध है, ये विश्वसनीय और वैध दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप यहाँ पर सी विकल्प को राइट करेंगे कि दोस्तों ये वैध और विश्वसनीय दोनों है, लेकिन परीक्षण कैसा है? दोस्तों परीक्षण है वस्तुनिष्ठ प्रकार का। ओके, इस चीज का ध्यान रखना था, क्वेश्चन काफी घुमाने वाला है, लेकिन जो बच्चा समझ जाएगा वो इसको भी गलत नहीं करेगा। ओके, वो इसको भी बिल्कुल गलत नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़े भाई, जल्दी से पढ़े। देखो क्या यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन
टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है। ऐसा कौन सा यहाँ पर कथन है जो टीम शिक्षण, टीम शिक्षण का मतलब ग्रुप में जब आप शिक्षण करते हो उस अवधारणा को सर्वोत्तम अच्छे से अच्छे तरीके से आपके सामने व्याख्यायित करता है, उसकी व्याख्या करता है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो ऐसा कौन सा कथन है ये आपको बताना है, देख लेते कौन सा है। ठीक है, दो से अधिक शिक्षण कार्य करते हैं, भाई ये क्या है, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि दो से अधिक शिक्षण कार्य करते हैं, इसको तो काट ही दीजिए आप। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है कि दो से अधिक अध्यापक एक ही कक्षा को एक साथ मिलाकर पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते भी है। टीम शिक्षण की बात हो रही है यहाँ पर, ये बात नहीं हो रही है कि किस तरीके से वो पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। आगे देखिए, दो से अधिक अध्यापक अपनी विशेषताओं के अनुसार, वाओ क्या ऑप्शन है, अपनी विशेषताओं के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते। दूसरे विकल्प के बारे में थोड़ा सा विचार कर रही थी लेकिन अब ये गलत हो चुका है क्योंकि इससे भी सटीक विकल्प आपके सामने आ गया है कि दो या दो से अधिक अध्यापक एक साथ मिलकर के और अपनी विशेषताओं, अपनी विशिष्टताओं, अपने गुणों के आधार पर किसी एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाएंगे और आगे उनको पढ़ाते भी है। इसको हम कहेंगे टीम शिक्षण, इसको हम कहेंगे कि ग्रुप में जो शिक्षण होता है वो इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अध्यापकों की एक टीम जो विद्यार्थियों के पढ़ने योग्य तैयारी को उपलब्ध करवाए, नहीं ये यहाँ पे नहीं होगा। ओके दोस्तों, काफी अच्छे क्वेश्चन है और आपको ये काफी अच्छे से करने भी है। देखिए इधर, शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाए। दोस्तों शिक्षण की प्रभावशीलता मतलब कि आप जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को निभा रहे हो वो कितना प्रभाव डाल रही है आपके बच्चों के ऊपर, कितना प्रभावित कर रही है वो आपको और आपके शिक्षार्थियों को, इसके बारे में निर्णय करना है। तो इन सभी विकल्प में से कौन कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, एकदम सटीक हो जाएगा या फिर मैं कहूँ कि एकदम ऑथेंटिक हो जाएगा। तो देखिए, सभी विषयों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक, वाओ दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि जब आप किसी की प्रभावशीलता का पता लगा रहे हो शिक्षण की का, तो क्या आप अंकों से पता लगाएंगे? तब आप कहेंगे नहीं मैडम बिल्कुल नहीं, तो इसको काटो ना भाई, क्यों इसको रखा हुआ है यहाँ पे, इसको काटो। और जिस जिसमें फर्स्ट विकल्प है उसको भी काटो, क्योंकि प्राप्तांक की तो बात ही नहीं कर रहे ना हम प्राप्तांक की तो बात ही नहीं कर रहे। आगे देखो, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर, हाँ आप ये बताए कि शिक्षण के जो उद्देश्य हमने निर्धारित कर रखे, जिनका निर्धारण हम पहले से ही करते हुए आए थे, क्योंकि जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि यहाँ पर पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, क्यों आप यहाँ पर पढ़ेंगे, जब हम आपको टाइटल में, थंबनेल में हर जगह बताते हैं कि ये क्लास नेट जीआरएस के लिए है, ये फर्स्ट पेपर के लिए है, ये सेकंड पेपर के लिए, तभी तो आप उनको देखते हो ना बाबा, क्योंकि इनका उद्देश्य है कि आपको फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर में अच्छे से शिक्षित किया जाए। तो आप कह सकते हो कि मैडम यहाँ पर सेकंड विकल्प बिल्कुल सही है। और जब सेकंड विकल्प आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, तो आप देखिए इन दोनों में से सेकंड कहाँ पर है, सिर्फ एक ही विकल्प में जिसमें नहीं है उसको हमने काट दिया, ये लोग सबको बिल्कुल काट दिया, दिखाई नहीं दे रहा कुछ। अब आपका उत्तर आपको मिल गया है कि लास्ट वाला आपका उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर दो था दोस्तों, यहाँ पर दो है, ठीक है, दो तीन और चार है। देखिए इसको एक बार, सीखने में विद्यार्थियों के द्वारा लिया जाने वाला समय, बिल्कुल किस तरीके से सीख रहे, कोई बच्चा जल्दी, कोई बच्चा बहुत देर से सीख रहा है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर उपयोगी होती है। शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले संसाधन, हाँ ये भी उपयोगी है। शिक्षण में विद्यार्थियों की उपस्थिति की नियमितता, हाँ ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता, लेकिन विकल्प के आधार पर हमने किया है तो ज्यादातर विकल्प इसमें सटीक थे, इसलिए यहाँ पर हमने सी विकल्प को बिल्कुल करेक्ट किया है। अब चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्या कह रहा है आपसे कि एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों का, आप ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन कल की क्लास में काफी अच्छा उदाहरण दिया आपके बच्चे का, चुन्नू मुन्नू बच्चे का, उसके द्वारा मैं समझा चुकी थी। तो बिल्कुल इसमें मैं गलती नहीं चाहती किसी की। और प्लीज चलो मैं एक काम करती हूँ, ये बड़ा अच्छा तरीका रहेगा हमारा कि इस क्वेश्चन का आंसर है ना आप कमेंट बॉक्स में करना। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पर रोज आपके लिए छोड़ा करूंगी, हालांकि मैं इसको समझा देती हूँ। ठीक है, देखिए, एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है, इसीलिए देखिए इसीलिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग वो करेगा। अब दोस्तों मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये आपका गोलू मोलू है, इसको क्या हो रही थी, बुखार हो रही थी ना कल, तो जब ये उदास था तो हमने क्या किया, इसकी उदासी का पता लगाया, मतलब इसको जो समस्या है ना, इसकी समस्या का पता लगाया और इसके पता लगाकर उसको एक शब्द में बताने का प्रयास किया।
और जब ये हमारे गोलू की समस्या का पता चल गया तब हमने इसको क्या की, एक पर्ची में जो डॉक्टर ने दवाई ली वो सारी दवाई इसको खिलाई और उसके बाद हमारा गोलू एकदम स्वस्थ हो गया। देखो मुस्कुरा रहा है। तो हमने जब इसकी समस्या को दूर किया था ना प्यारे दोस्तों, जब हमने इसकी समस्या को दूर किया तो उसको भी एक नाम से जाना गया था। अब आपको ये बताना है, देखिए यहाँ पर क्या उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ए है, बी है, सी है या डी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको ये भी लिखकर बताना है कि समस्या का पता लगाना क्या है और समस्या को दूर करना क्या है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, ये बढ़िया मुझे तरीका आया यहाँ पर ताकि आप जुड़ पाए मेरे से और ज़्यादा अच्छे से। तो दोस्तों ये होमवर्क क्वेश्चन है, अगर आप पुलकी मैडम के साथ शुरू से बने हुए हो तो चुटकियों में इस क्वेश्चन को, चुटकियों में क्या सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को ठीक कर देंगे, ये मेरा भरोसा है। तो प्लीज़ होमवर्क क्वेश्चन को सभी करके लाना, ओके, सभी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करना। आगे चलते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए आपको दिया है, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इधर, यहाँ पर आपको मिलान करना है शिक्षण विधियों में और उनके अलग अलग पक्ष आपके सामने दे रखे इन दोनों में कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सहयोगात्मक विधि है, सहकारी विधि आपके सामने है, ठीक है। और देखिए और कौन सी विधि है, रचनात्मक है और टीम शिक्षण है। इन सभी में से अगर आपको एक भी, कोई सा एक विकल्प भी आपको आता है तो आप फटाफट सही कर देंगे। जैसे कि चलो हम फर्स्ट की ही बात करें, सहयोगात्मक। अब सहयोगात्मक से क्या निकल रहा है, क्या आप इससे समझ पा रहे हो? तो दोस्तों सहयोग का मतलब होता है किसी की मदद करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी का सहयोग करना। सहयोगात्मक विधि में क्या होता है कि चाहे कोई भी गतिविधि हो, कोई भी क्रियाकलाप हो, या फिर मैं कहूँ किसी भी तरीके का कोई भी कार्य हो, उस कार्य के अलग अलग पहलुओं में जब आप हर किसी का सहयोग करते हो, मदद करते हो, सपोर्ट करते हो और फिर उस कार्य को संपन्न किया जाता है तो इसको सहयोगात्मक विधि कहते हैं। अब यहाँ पर आप इसका मिलान कर सकते हो, सारे विकल्पों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ एक ही विकल्प यहाँ पर करेक्ट दिखेगा और वो है थर्ड, ठीक है। वो आपका थर्ड विकल्प है कि जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं को साझा करता है, साझा करने का मतलब कि उनसे एक दूसरे को मिलाने का, उनसे जोड़ने का प्रयास करता है, सभी को उससे जोड़ने का प्रयास करता है, उसको हम कहेंगे सहयोगात्मक। अब आप देखें कि इस ए के नीचे, ठीक है, इस ए के नीचे किधर थर्ड है, यहाँ पर थोड़ा व्यवस्थित नहीं है ये, कि थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं है। इधर देखिए ये भी इधर ए का है, तो आप देखेंगे ना तो यहाँ पर तीन है, ना यहाँ पर तीन है, ना ही यहाँ पर तीन है, ये थोड़ा सा आगे थोड़ा पहुंच गया, ठीक है, दोनों एक साथ ये होने चाहिए थे, ये वाला और ये वाला। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट उत्तर आपका बी हो जाएगा, ओके। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आपसे पूछा है निर्माणात्मक, और ये निर्माणात्मक भी मैं आपको बता चुकी थी जब मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन में आपको पढ़ा रही थी। दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक तो होता है क्या मात्रात्मक, ध्यान से समझते चले क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन रिकॉर्डेड में मैं इतना ज़्यादा अच्छा देने का प्रयास कर रही हूँ आपको कि आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे मैं क्या बताऊँ। मात्रात्मक का मतलब ये है कि मात्रा के ऊपर जोर दिया जाता है, आंकड़ों के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर, ग्रेडिंग के ऊपर, मतलब कि एक तरीके से मात्रा क्या है उसके ऊपर जोर दिया जाता है। और निर्माणात्मक में आपके गुणों के ऊपर जोर दिया जाता है, मतलब कि आपको इस कक्षा कक्ष में पढ़ते पढ़ते जो परेशानी आ रही है उसी वक्त अगर उन परेशानियों को दूर कर दिया, किसने, आपके टीचर ने, तो आपकी परेशानी तो दूर होगी होगी, आपके अंदर गुणों का भी निर्माण होगा और आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी रुचियाँ, अच्छे अच्छे गुण विकसित होते जाएंगे। इसीलिए निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में यहाँ पे पूछा है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, तो आप बताएं क्या होता है। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, क्या अभी जैसे कोविड में वो आगे मतलब कि पहुंचा दिए है, प्रमोट कर दिए है सभी, तो ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना, दोस्तों ये बात बिल्कुल सटीक है लेकिन बाकी के विकल्प की देख लेते। कक्षा में सहयोग को बढ़ाना, निर्माणात्मक का मतलब सहयोग को बढ़ाना नहीं होता, निर्माणात्मक का मतलब तो ये है कि अधिगम की कठिनाइयों को समझना। दोस्तों कठिनाइयों को समझना आपको क्या होता है मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, कठिनाइयों को समझना मतलब कि कठिनाइयों के बारे में जानना निदान, नैदानिक या निदानात्मक होता है, ओके चलो बता दिया। दोस्तों यहाँ पर जो निर्माणात्मक का उद्देश्य है वो ये है कि आप जो शिक्षण अधिगम कार्य कर रहे हो,
आप सीखने सिखाने की प्रक्रिया को यहाँ पर चला रखे हो, उसको और ज्यादा बढ़ाना, उसको और ज्यादा अच्छे से विकसित करना, उसको और ज्यादा अच्छे से आत्मसात करना, ताकि आपके अध्ययन में जो भी परेशानी आ रही है उनको आप दूर कर सकते हो। वी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़े दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़े 19वें को। देखिए, शिक्षक निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में प्रत्यक्ष अंत क्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए, किस किस का कर सकता है। आप एक चीज का बात ध्यान रखना, अंत क्रिया की बात हुई है, अंत क्रियात्मक युक्ति मतलब कि इंटरेक्शन की बात हुई है, अंत क्रिया की बात हुई है, अननोन क्रिया की बात हुई है यहाँ पर आप दोनों के बीच में। तो आप क्या समझेंगे इस विकल्प से? आप इस विकल्प से सिर्फ इतना समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि ये विकल्प जो आपके सामने है, इनमें से कौन कौन से विकल्प से आप चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे या समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ईमेल के द्वारा आप मुझे ये बताओ, मैं आपको व्हाट्सएप पे कॉल करूं और एक मैसेज लिखूं, ज्यादा अच्छे से कौन सी चीज पे आप बात कर पाओगे, वीडियो कॉलिंग पे या मैसेज में? ठीक है, तो आपसे मैं कहूंगी दोस्तों, ईमेल इतना अच्छा माध्यम नहीं है जितना ये ऑनलाइन चैट वगैरह है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। ठीक है, तो देखिए, ईमेल यहाँ पर बिल्कुल निम्न कोटि का हो सकता है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। ए विकल्प जिसमें भी होगा वो आपका उत्तर नहीं होगा। आगे देखिए, स्काइप, स्काइप में भी बिल्कुल जैसे आपके टेलीग्राम है, जैसे आपका व्हाट्सएप है, उसी की भांति होता है। इसमें भी आप बात कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हो, उसी की भांति ये है। वैसे ही आपका ऑनलाइन चैट है, उसी तरीके से आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। तो ये तीनों के तीनों जो विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसी तरीके से। तो पहले ये देखे कि यहाँ पर सेकेंड विकल्प है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको भी आप काट दीजिए। एक ही विकल्प आपके सामने उत्तर के रूप में दिख रहा है, क्योंकि इन सभी में आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, मैसेज भी कर सकते हो, मतलब अच्छे से आप इंटरेक्ट कर पाते हो। एक तो ऐसा होता दोस्तों कि फोन पर रिकॉर्ड करके, सिर्फ रिकॉर्ड करके ये चीजें दिखाई नहीं देती, और मैं आपको ये देती तो क्या आप ऐसे समझ पाते? अभी तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बीच बीच में, तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, जुड़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। और अगर सिर्फ लिखती तो आप उतने अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए आप कह सकते हो कि आपके ये उत्तर यहाँ पर सही होंगे। फेसबुक में हालांकि देखो, अभी ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए आपके आजकल के ही एग्जाम में, तो आप इसमें फेसबुक भी राइट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी लाइव चैट का मतलब लाइव आने का ऑप्शन आपको दे दिया, पहले ये नहीं था तो इसलिए वहाँ पर गलत माना गया है। ब्लॉग की अगर बात करें तो ब्लॉग दोस्तों लिखा जाता है, ठीक है, ब्लॉग में इसके बारे में पहले काफी चर्चा कर चुकी थी। ब्लॉग आप देखिए, गूगल पे जितने भी ऐड आते हैं, जैसे आपने सर्च किया कि नेट जीआरएफ क्या होता है, उसके इधर साइड में ऐड आता है, छोटा सा इधर ऐड जाएगा, छोटा सा ऊपर आ जाएगा जब आप वेबसाइट खोलते हो, तो वो क्या होते हैं, वो ब्लॉग किसी ना किसी ने लिखा हुआ होता है, और उसके ऊपर जो ऐड आता है, मतलब कि उससे वो चैनल मोनोटाइज हो रखा है, उससे उनकी अर्निंग वगैरह हो रही है। तो ब्लॉग सिर्फ ऐसा है जिसको आप सिर्फ देख पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर ये भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का, इसको ध्यान से पढ़ ले, समझ ले। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन क्या होता है? एक विद्यार्थी केंद्रित कक्षा है तो इसका प्रयोजन क्या होता है? दोस्तों, जब विद्यार्थियों पर केंद्रित कर देंगे हम कक्षा को, तो इसका मतलब ये कि इन विद्यार्थियों के अनुसार और इन विद्यार्थियों के लिए ही हमें शिक्षा देनी है। अब देख लो, कोई बच्चा ऐसा है जो सुन नहीं पा रहा, कोई बच्चा ऐसा है जो देख नहीं पा रहा, कोई बच्चा ऐसा है जो बोल नहीं पा रहा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन बच्चों की जितनी भी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, जितनी भी परेशानी है, कोई बच्चा ऐसा है जो छोटा है, कोई बच्चा ऐसा है जो लंबा है, कोई बच्चा बहुत बुद्धिमान है, कोई बच्चा बिल्कुल निम्न कोटि का है, तो आप इन सभी की मतलब कि सभी की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए और इनके सामने जो कठिनाई आ रही है उन कठिनाइयों को दूर करते हुए चलेंगे। ये विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का ये प्रयोजन रहता है। तो आप यहाँ पर सभी विकल्प में देख सकते हो, हालांकि ये सारे कहीं ना कहीं ठीक ही है, लेकिन सबसे ज्यादा सटीक यहाँ पर है फर्स्ट विकल्प, व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का हम आयोजन करते हैं। शिक्षक उन्मुखी, भाई जब विद्यार्थी केंद्रित की बात हो रही है तो शिक्षण उन्मुखी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। निराश की बात आ गई, कमी करने की बात आ गई, तो उसको तो काट ही दीजिए। पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रत्यास्मरण, पहले के ज्ञान को दोबारा से याद करते जाना, क्या ऐसा है? ऐसा भी नहीं। समग्र कक्षा में अंतर्भूत होना, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ए विकल्प यहाँ पर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। और मैं आपको बता दूं एक बार दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बिल्कुल नए नए हमारी क्लासेस में जुड़ते हैं, उनको अभी तरीका नहीं पता कि कैसे हमारी क्लासेस से जुड़े, कैसे हमको जाने, कैसे हमारी सारी क्लासेस का लाभ वो उठाए, फ्री की एंड पेड क्लासेस का। दोस्तों, मेरा नाम पूजा कुमारी मीना है और मैं आपको अनअकैडमी प्लस पर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों पढ़ाती हूँ।
है, पेपर फर्स्ट नेट जेआरएफ का पूरा, पेपर सेकंड नेट जेआरएफ का तो पढ़ा ही रही हूँ। इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है उसको भी हम टारगेट कर रहे हैं साथ में। तो अगर आप इनको सिस्टमेटिक तरीके से कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो, तो प्लस की क्लासेस से जुड़ सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि प्लस क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और पॉलिटीटेट मेरा कोड है, इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी फीस है उसमें 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि 12 महीने की फीस की अगर मैं बात करूँ तो 11,500 फीस है, और इसमें अगर आप मेरा कोड पॉलिटीटेट जैसे ही लगाएंगे तो आपकी फीस घटकर, ठीक है, आपकी जो फीस है वो घट करके 10,395 रुपये हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी 6 महीने की भी है, 24 महीने की, जो भी आप लेना चाहते हो वो। ये मेरी क्लासेस का शेड्यूल है जो आप देख सकते हो, ठीक है। ये अनअकैडमी प्लस की क्लास है, ये फ्री वाली क्लासेज है, ये भी यूट्यूब की फ्री वाली क्लासेज है। संडे को जो स्पेशल सरप्राइज क्लासेज आपके लिए आती है वो है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो जल्दी से अपने सपनों को पूरा करना, जल्दी से चाहते हो सफलता को प्राप्त करना, तो बिल्कुल अपने सपनों के साथ में कोई भी समझौता ना करे, ठीक है। अगर अभी आपने समझौता करने का प्रयास किया, देखिए, अगर अभी आपने अपने सपनों के साथ समझौता किया, इसका मतलब आप अपने लक्ष्य से काफी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है वैकेंसी कब आएंगी, हमारे हाथ में नहीं है कब एग्जाम आएगा, ना ही हमारे हाथ में ये है कि कब आंसर की आएगी, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी। लेकिन हमारे हाथ में ये है कि हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करें, अपना बेस्ट दे पाए। अगर कहीं पर जहाँ हमारे 1,00,000 रुपए खर्च हो जाते पूरे साल में, रहने के, खाने के, कोचिंग आने जाने के, फीस देने के, उसकी जगह अगर हम घर पर रहकर एक कोने में बैठ के तैयारी करें और सिर्फ मात्र 10,000 रुपए में हमारी तैयारी हो जाए, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने की तैयारी ये 10,000 रुपए करवा पाए, तो बहुत बड़ी बात है अगर आप इस पर चिंतन कर पाओ तो। ठीक है, अगर आप चिंता करते हो तो आप मेरे प्यारे स्टूडेंट नहीं हो, अगर आप चिंतन करते हो तो आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हो। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि दोस्तों चिंता ना करें, चिंतन करें। तो प्लीज, अगर आप चाहते हो कि ये सारी क्लासेस का लाभ उठाए तो आप उठा सकते हो, आपके ऊपर है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो बच्चे भरोसा कर रहे हैं वो लगातार क्लासेस से जुड़ रहे हैं, मेरे कोड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। काफी सारे बच्चे, आज ही एक बच्चे ने प्लस कोर्स खरीदा है शाम को 12 महीने का, और उसने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए खरीदा है हिंदी साइंस सब्जेक्ट से। तो अगर आप चाहते हो तो आपकी इच्छा है, मैंने आपको सिर्फ बताया, इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि आपको कई बार जानकारी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।